नमस्कार, आई एम डॉक्टर एस के गुलाटी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपको अनार से जले हुए कुछ मरीजों की बात पहले सुनाऊंगा, मैं अपनी बात बाद में करूंगा। हम सभी लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि दीपावली में पटाखों से दूर रहें। हमारी कंडीशन देखो, देख लो, अनार छुटा रहे थे हाथ से, जिसमें ये कंडीशन हुई हमारी। अनार कैसे छुड़ा रहे थे? अनार हाथ में लेके छुटाते थे, दूर रख देते थे। अनार को कहाँ, दीपक किलो अनार पे दीपक रखे? किलो पे, दीपक किलो से छुड़ा रहे थे, इसलिए और अनार हमारे तुम्हारे साथ ये हाथ घटना में, घट गट गई। अनार तुम्हारे हाथ में था? अनार हमारे हाथ में था। अच्छा, तो ये उन हाँ लोगों को बता दो कि भाई ये हाँ गलती ना लोगों से करें। निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा ना करें, पटाखों से दूर रहें और स्वस्थ रहें। और ये भी बात समझ ले कि अनार फट सकता है। अनार फट सकता है, अनार फट जाता है, अनार को ना छुटाएं, पटाखों से दूर रहें। पर अच्छे से ये पीछे वाला भी इधर के बैक साइड। हाँ ठीक, चल। मैं अनार जला रही थी, उसमें मैंने कैसे देखा कैसे जला रही थी? नहीं, कैंडल से इतनी छोटी कैंडल कहाँ थी और अनार कहाँ था? कैंडल साथ में पकड़े थे, अनार साथ से पकड़े थे, और हाँ जैसे कैंडल से छुआई वो अनार मेरी तरफ घूम गया और मेरा हाथ जल गया। फिर लोगों से तुम और बच्चों से क्या कहना चाहती हो? कि मेरी तरह अनार मत छुए, नहीं तो उनका भी यही हाल होगा। मैं सर, अनार जलाने से अकेले हमारे हाथ की ये हालत हुई है, और ये मैं अपना बहुत सेफ होके अनार जला रहा था फुलझड़ी से, उसके बावजूद अनार फट गया। और मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अनार को जब भी छुड़ाएं तो प्रोटेक्शन के साथ छुड़ाएं, फुलझड़ी में भी जो कोई दफ्ती वगैरह कुछ ऐसा लगा लें जिससे कि तो आप सुरक्षित। क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि अनार फट सकता है? बिल्कुल 100% सर, अभी तक हम भी सेफ मानते थे, लेकिन अनार ही सबसे टॉप पे है जो फट सकता है, मुझे लग रहा मैं अमित कुमार पांडे बिल्लौर का निवासी हूँ। दीपावली वाले दिन अनार छुड़ाते समय ब्लास्ट हो गया, हमारे हाथ का डैमेज हो गया। मैं सभी लोग से यही कहना चाहूँगा कि अनार को कभी भी छुड़ाएं तो जमीन में रख के दूर से आग लगा के छुड़ाएं। अनार फट सकता है ये तो बता दो। अनार फट सकता है, आवाज कर सकता है, इसलिए तो उसको दूर रख के ही छुड़ाएं। अब तक तुमको ये धारणा थी कि नहीं फटेगा, हाँ मेरे को तो यही था कि सर नहीं, अब धारणा सही हो गई। बिल्कुल, अब तो हम यही कहना चाहेंगे कभी भी छुड़ाएं तो दूर रख के आग दिखा के छुड़ाएं। धन्यवाद। दिवाली के पहले मैंने इस चैनल के जरिए ये संदेश देने की कोशिश करी थी कि लोग अनार से होने वाले खतरों को समझें और उससे होने वाली दुर्घटनाओं से बचें। इसके बावजूद मेरे पास 20-25 पेशेंट्स अनार से जले हुए आए जिनका मैं इलाज कर रहा हूँ, और उनमें से 4 ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो कि आपने सुना। एट द एंड ऑफ द वीडियो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप ये बात समझें कि अनार फट सकते हैं, फटते रहे हैं और आगे भी फटते रहेंगे। अनार जलाते हुए अपनी आँखों को और हाथ को बचाइए, आँखों को चश्मे से कवर्ड रखिए और हाथ को किसी मोटे ग्लव से कवर्ड रखें। नमस्कार।